मानव के साथ में इस तरह का कृत्य शोभा नहीं देता है। कुत्ता बनाना, भौंकने को कहना, धर्म परिवर्तन की बात करना, मांस खाने की जिद करना। मध्य प्रदेश के भोपाल में जिन लोगों ने एक शख्स को कुत्ते की तरह गले में जंजीर डालकर उसका वीडियो बनाया था, अब उन्हीं आरोपियों के खिलाफ शिवराज सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल शिवराज सरकार ने सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है और साथ ही साथ सभी आरोपियों पर NSA भी लगाया गया है। कुत्ता बनाकर धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले वीडियो में एक नया अपडेट ये आया है कि एक और गिरफ्तारी हुई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ है। सर, चौथी गिरफ्तारी हुई है, कौन है, क्या है? चौथी गिरफ्तारी हो गई है और इस तरह की मानसिकता वाली सबरी गिरफ्तारी हो जाएंगी। इस केस से जुड़े हुए कोई को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और मैंने कल भी समय सीमा निश्चित की थी अपराध की, 24 घंटे का था, उन्होंने 4 घंटे में अपराधी पकड़े थे। एक मानव के साथ में इस तरह का कृत्य शोभा नहीं देता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था और इस वीडियो में 3 लोगों ने एक शख्स को कुत्ते के पट्टे से बांधा हुआ था और ये तीनों आरोपी इस शख्स को कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कह रहे थे। वीडियो में सुना जा सकता है कि एक लड़का शख्स से कहता है कि कुत्ते की तरह भौंक। मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भौंक भाई, मैंने कुछ भी नहीं करा भाई। मैंने कहा भाई आपके दोस्तों ने मैं आपको। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित के परिवार का आरोप है कि सभी आरोपियों ने उनके बेटे को धर्म बदलने के लिए भी प्रताड़ित किया था। परिवार का ये भी कहना है कि आरोपियों ने न सिर्फ उसे ड्रग्स का सेवन करने के लिए मजबूर किया बल्कि उसे खुद के घर में डकैती करने के लिए उसके ऊपर दबाव भी बनाया गया। और इस सब के बीच बड़ी बात ये है कि पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही FIR दर्ज की। और जब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शिवराज सरकार में हड़कंप मच गया और खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर बयान दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों पर NSA के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और उनके घर पर बुलडोजर भी चलवाया गया।